दनोकंडी मार्ग की खूबसूरत बस्ती, कंपार्टमेंट 26 सेन गंबाल से ये व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये यहाँ से दरियाई कांडे बहता हुआ जो आज खुश्क हो चुका है, यहाँ से आप दीकर जो गांव गिरदनावा के हैं उनका व्यू भी देख सकते हो। बोह, सेल, खनन, द्रगड़न, दुधकुछन और यहाँ से लागपुरा और हुमपथरी, ये जो रास्ता है ये आप देख रहे हो इस व्यू में, ये हुमपथरी की तरफ जाता है। यहाँ पर हमारी हायर सेकेंडरी है और ये दनोकंडी मार्ग की खूबसूरत बस्ती जो आप अगर नीचे से देखोगे तो ये इतना खूबसूरत नज़ारा आप नहीं देख पाओगे। यहाँ पर ये संगम होता है बूशी दरिया का और दरियाई कांडई का, ये दोनों यहाँ पर आकर मिलते हैं। और ये जो रास्ता आप नीचे देख रहे हो बैकग्राउंड में, ये खुल की तरफ जाता है, वो सामने जो है वो ब्रिज है दनोकंडी मार्ग का, जो दनोकंडी मार्ग को बोह और दीगर जो डीएसपुरा की तरफ रास्ता जाता है उससे कनेक्ट करता है। और वो जो टॉप आप देख रहे हो ये हुनहंग का टॉप है। ये खूबसूरत व्यू जो है मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ, दनोकंडी मार्ग जो दूर हमारे जो दनोकंडी मार्ग के रहने वाले जो दूर होते हैं वो अक्सर इस व्यू को देखते हैं और कमेंट्स करते हैं। ये खूबसूरत नज़ारा मेरी बस्ती का, मेरे इस नेटिव एरिया का आप देख सकते हो यहाँ से। और यहाँ पर ये ऑर्चर्ड्स हैं, बागात हैं, सेब के बागात और अब यहाँ पर भी मकान बनने शुरू हुए हैं। नीचे जो है ये पंचायत, यहाँ पर पंचायत घर आगे है और ब्लॉक भी, और ये दनोकंडी मार्ग का ग्राउंड जहाँ पर क्रिकेट खेली जाती है। तो ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, यहाँ पर मेरे बचपन में हम आकर खेलते थे। यहाँ पर पहले ग्राउंड था, ये जो आप दरिया कांडे देखते हो, यहाँ पर जुईडार का जो ग्राउंड था वो पहले यहाँ पर कार्क बाल से और लेदर बाल मेरे बचपन में लोग आके खेलते थे और हम नज़ारा देखते थे। और अब लेदर बाल से क्रिकेट खेलते हैं लोग और अब ये ग्राउंड यहाँ पर बना है खेलने के लिए। तो ओवरऑल ये जो आप नज़ारा देख रहे हो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज़बरदस्त। कंपार 26 इन गंबाल से मैं आपको ये व्यू दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर पाइन ट्रीज़, केल, ये आप देख लो खूबसूरत नज़ारे यहाँ के, ये आप व्यू देख लो यहाँ से जाते हुए। मैं इसकी व्यू ले रहा हूँ, दनोकंडी मार्ग का जो नज़ारा है आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से जाते हुए।